व्हाट्सअप गाइस, क्या मेरा नाम अटका कान। आप देख रहे हो टेक बॉक्स। ये बॉक्स आया था, हमने अपने टेक न्यूज़ में बताया था कि ये बॉक्स आया था। बॉक्स में क्या है देख लेते हैं भाई। तो बॉक्स में जो है ये है कुछ, ये बॉक्स आया है ग्रेनारो की तरफ से, देख सकते हैं ग्रेनारो का S11। ये एक माइक है जो वायरलेस माइक है और उसको हमने अनबॉक्स ऐसे कर लिया है, ये रहा। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से चलता वगैरह है। खैर इसको रखते हैं, बाद में बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है वो सारा चीज़ हम आपको आगे दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे, सब कुछ बताएंगे। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो ये इस माइक से है, बोया का बोया बाय M1। वो जो माइक होता है उससे हमने शुरू किया है और उसके बाद अभी वायरलेस लिया है, क्योंकि हमारे रियलमी 12 प्रो प्लस में 3.5 mm जैक नहीं है, तो इस वजह से हमको ये परचेस करना पड़ा। तो हम आपको बताएंगे कि क्या इस ऐप को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू कैसा है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, प्राइसिंग क्या है, और बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र में मुझे मिला है वो भी चीज़ बताएंगे। और आप भी ये ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं, कैसे करना है वो भी बताएंगे। वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सब कुछ बताएंगे ये एक्चुअल में कैसा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वैसे बाहर में काम चल रहा है तो थोड़ा सा नॉइस वगैरह आएगा, तो उसको लेकर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, सॉरी यहाँ काटने से पहले, कि बॉक्स पूरा का पूरा भैया पैक है, ठीक है, कहीं से भी खुला वुला नहीं है। देख सकते हैं पूरा का पूरा, इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेके। अब ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, जब भी आपका कुछ भी सामान ऑनलाइन आए तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अंदर कुछ फ्रॉड होता है तो आपके पास वीडियो रहना चाहिए, जैसे हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो हम क्या करेंगे कि भैया इसको देख लेंगे और वीडियो देख देंगे, तो क्या है कि हमारा रिफंड उफंड का जो भी मामला रहेगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी आप अगर अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरह से सावधानी बरतिए और इस तरह से देख सकते हैं। तो हम यहाँ से उखाड़ रहे हैं इसको, तो ये रहा बिल, और बिल में एड्रेस है तो उसको हम हटा देते हैं। ये हमें पड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल जो है, यहाँ पर देखिए 1199 रुपये पड़ा है ये, ठीक है। अब ये क्या है आप लोग को ही पता, हमें भी पता है भैया, 10 बार क्यों बताना। तो ये जो है ग्रेनारो का S11। अब S11 में क्या क्या है चलिए देख लेते हैं उसको एक बार अच्छे से, और समझ लेते हैं कि इसमें क्या है नहीं है। तो इसको ओपन करते हैं, और ये मुझे 1199 रुपये, लगभग 1200 रुपये पड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और किस तरह से है। तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, वैसे अनबॉक्सिंग का जो है मामला कुछ अलग ही है, तो खोलने में काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर से सबसे पहले वारंटी कार्ड ही आ गया है, और वारंटी कार्ड को क्लेम करना पड़ता है, तो देख लेंगे इसको कैसे क्लेम किया जाता है, वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे। और ये रहा भैया बॉक्स, और ये रहा अपना सारा कुछ कि इसमें क्या है नहीं है, आप लोगों को दिखता होगा वारंटी कार्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना केस है, और केस के अंदर माल है, और माल के अंदर फिर केस है। तो ये जो है बॉक्स पैकेजिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर LED बताया जा रहा है, तो LED किधर काम करेगा वो चीज़ देख लेंगे बाद में। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर एक और बॉक्स है, उस बॉक्स को भी निकालते हैं। तो ये जो बॉक्स है इसमें टाइप सी वाला होगा शायद केबल वगैरह, देख सकते हैं, तो टाइप सी का केबल है यहाँ पर। इसको खोलने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है कि होना चाहिए, टाइप सी का केबल है। और यहाँ पर यूज़र मैनुअल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। सबको साइड करते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं अपने प्रोडक्ट के तरफ। तो प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरह का है, यहाँ से हम निकालते हैं दोनों को, और नीचे में इसका पन्नी दिया रहता है ताकि ये ऑन वगैरह नहीं हो, तो इसको हम ऑन करते हैं। पन्नी को निकाल के यहाँ पर हम वारंटी कार्ड में ही चिपका देते हैं, इसको डाल देते हैं अंदर,
ये रिसीवर हो गया, तो ये ऑन हो गया और यहाँ पर 100% बैटरी दिख रहा है, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डिस्प्ले है और ये जो है रिसीवर है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं अपने फ़ोन में। वैसे अगर फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात किया जाए तो फिजिकल ओवरव्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पर जाली वगैरह है, इस तरफ सिंगल बटन है, यहाँ पर USB टाइप सी का पोर्ट है और ये फंसाने के लिए है। यहाँ पर जो है चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये जो है मैग्नेटिक टाइप का है, तो चल जाता है ये अंदर। और इसमें कोई भी किसी तरह का नहीं है, बस यहाँ पर जो है कुछ मतलब होल वगैरह है। अब ये किस चीज़ का यहाँ पर होल दिया गया है, ये चीज़ मतलब मुझे लग रहा है कि सिग्नल और लाइट वगैरह का होगा कुछ। और यहाँ पर टाइप सी है जिसको आप कनेक्ट करके भैया आप कर सकते हैं काम अपना, ठीक है। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं ये फ़ोन के डायरेक्ट माइक से हो रहा है, अभी हमने लगाया नहीं है, कनेक्ट करेंगे तो दिखाएंगे। और 100% यहाँ पर बैटरी दिख रहा है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आपके पास आते हैं। तो ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये माइक नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट मोबाइल से ही अभी शूट हो रहा है वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर USB टाइप सी केबल वगैरह दिया गया है, यहाँ पर एक केस दिया गया है जिसको केस को अगर हम ऐसे खोलते हैं और इसको अंदर डालते हैं और इसको अंदर डालते हैं तो ये चार्ज होना शुरू होगा। जब ये चार्ज होना शुरू होगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि फ़ोन आपका मतलब ये जो माइक है ये चार्ज हो रहा है। अभी 94% बैटरी है इस केस में, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी, तो टाइप सी का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है छेदा, इसका बारे में मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि ये क्यों दिया गया है। यहाँ से बात तो ऐसा नहीं होता है। केस वगैरह देख सकते चारों तरफ से कुछ इस तरह का है, केबल हमने बता दिया। वारंटी कार्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वारंटी कार्ड में क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि जब आप फ़ोन को परचेस कर लेंगे तो 30 दिनों के अंदर, मतलब ये जो माइक को अगर आप परचेस कर लेंगे तो 30 दिनों के अंदर आपको सर्विस को कॉल करके आपको अपना रजिस्टर्ड करना होगा कि भैया हमने कर दिया है, मेरा रजिस्टर कर दीजिए, तो ही वारंटी मिलेगा, वरना वारंटी नहीं मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन और ये व्हाट्सअप नंबर वगैरह है, 1 साल की वारंटी वगैरह मिलेगी और किस किस चीज़ में वारंटी क्लेम नहीं होगा वो चीज़ बता देगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ने का सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है UI फंक्शन वो बता देगा, मतलब इसमें क्या है। देखिए आपको दिखा देते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे अभी हम निकाल दिए तो यहाँ पर ये जो बटन है ये फंक्शन बटन है, देख सकते हैं ये फंक्शन बटन है जिसको प्रेस करके आप अलग अलग फंक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये टाइप सी है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका टाइप सी वाला हेडफोन है तो आप अभी लाइव मतलब जो आप रिकॉर्ड हो रहा है आवाज़, वो किस तरह का आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है वो चीज़ यहाँ पर से आपको सुनाई देगा कि कैसा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। नीचे में जो है वही मैग्नेटिक पिन है जिससे ये चार्ज होगा, और इसका जो ये वाला है ये चार्ज नहीं होगा, ये डायरेक्ट जो है आपका फ़ोन का पावर से ही ये पावर लेता है, ठीक है। ये चार्ज नहीं होता, चार्ज ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिया गया है लिखा गया है इसमें कि यहाँ पर बटन S3 स्टार्टअप दिया गया है। ये जो बटन है इसको चालू और बंद करेंगे तो स्टार्ट मतलब एक बार करेंगे, पावर ऑन पावर ऑफ इसी में होगा, ठीक है ना। शट डाउन अगर प्रेस करके इसको रखेंगे 3 सेकंड तक तो ये प्रेस होगा, और 3 सेकंड तक दाब के रखेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद स्विच टू नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस रिडक्शन क्या है कि इसको अगर क्लिक करते हैं, जैसे अभी कनेक्ट नहीं है, हम इसको एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, ये निकल गया, ये अभी कनेक्ट नहीं है, देखिए अभी फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं है तो ये जल भूख इस तरह का हो रहा है। अगर इसको हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं फ़ोन में, ठीक है, इसको फ़ोन में कनेक्ट कर लिया हमने तो ये जो है ब्लिंक करना बंद करेगा, मतलब ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। वो हम बाद में बताएंगे और भी क्या कनेक्शन है। यहाँ पर क्या है रिडक्शन का, मतलब एक बार दबेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन मोड में चल जाएगा, जैसे एक बार ब्लिंक करेगा Level 1 में आ गया, अब फिर 2 बार करेगा, एक बार फिर और दबेंगे तो 2 बार का ब्लिंक किया तो नॉइस 2 में दे चल गया, और 3 बार किया तो नॉइस 3 में चल गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद रिवलेशन दिया गया है, ये क्या है पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया। 3 बार क्लिक करते हैं कंटिन्यू तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्स होगा नॉइस कैंसिलेशन में, 3rd लेवल से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा, 1 से 0 में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं 1, 2, 3, ठीक है, तो ये एक बार हो गया, फिर दाबेंगे 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है, तो रिवर्स हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद साइलेंट मोड, साइलेंट मोड में क्या है,
डबल टैप करेंगे तो ये माइक साइलेंट मोड में चल जाएगा, ये साइलेंट मोड में चल गया, ठीक है। फिर इसको अगेन करना है और डबल, जब भी साइलेंट मोड में जाएगा तो इस तरह से ब्लिंक करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको फिर डबल टैप करेंगे तो ये आ जाएगा वापस, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद और कुछ नहीं है यहाँ पर, चार्जिंग वगैरह का ये चीज़ बताया गया है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसका सेटिंग वगैरह कैसा है। तो सेटिंग क्या है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका, देखिए मेरा रियलमी का फ़ोन है, ओप्पो और वन प्लस में सेम सेटिंग है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या है, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ये जो काम करता है ख़ास करके, तो जिसमें 3.5mm जैक नहीं है उसी में काम करेगा, वरना ओपन कैमरा से करना होगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट वाला बताते हैं। ओपन कैमरा तो भैया सिंपल है, उसमें डायरेक्ट प्ले करेंगे तो हो जाएगा। डायरेक्ट वाला में क्या है, देखिए सबसे पहले आप चेक करिएगा कि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो काम करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग में जाना होगा, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग में जाते हैं, रिकॉर्डिंग में यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम खट खट कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड हो रहा है ग्राफ, वरना छोड़ दे रहे हैं तो चुप रह रहे हैं तो साइलेंट जा रहा है, ठीक है। देखिए तो कुछ इस तरह से है। एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि अभी हम घर का फैन को ऑन करते हैं और आपको नॉइस पता चलेगा कि किस हिसाब से यहाँ पर काम कर। तो अभी हमने फैन को ऑन कर दिया, फैन को ऑन कर दिया है, देखेंगे अगर आपको दिखा देते हैं फ्रंट कैमरा से। तो देखिए फैन ऊपर चल रहा है, ठीक है, हमने आपको दिखा दिया। अभी हम रिकॉर्डिंग में जाते हैं। देखिए फैन जब चल रहा है ये, तो फैन चलने के साथ साथ आपको क्या होगा कि नॉइस आता होगा, ठीक है, नॉइस अभी आपको आता होगा। चलिए हम इसका नॉइस टेस्ट भी कर लेते हैं फैन में कैसा है, यहीं पर से हम चुप रहे। लेवल 2 में नॉइस कैसा है चेक कर लीजिए, लेवल 3 में नॉइस कैसा है चेक कर लीजिए। तो ग्राफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो लेवल 3 में पूरा का पूरा स्मूथ ग्राफ है जबकि फैन चल रहा है। अभी हम 1 में जाते हैं, ठीक है, 1 में जाते हैं। देखिए लेवल 3 में अभी इस तरह का नॉइस, अभी क्या है कि ये नॉर्मल मोड में है और नॉर्मल मोड में फैन चल रहा है तो उसका भी आवाज़ को ले रहा, हम चुप होते हैं, आपको फैन का आवाज़ पता चलेगा। यहाँ पर ग्राफ को ध्यान दीजिए, ये चीज़ हमने बता दिया। अब डायरेक्ट कैसे काम करेगा, हम फैन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने फैन को ऑफ कर दिया है और अभी हम क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं सेटिंग कैसे करना है। रियलमी ओप्पो वन प्लस वगैरह अगर है तो कैसे सेटिंग करना है, देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले आपको OTG में जाना, OTG में कैसे जाएंगे, आप ऐसे घसकाएंगे तो यहाँ पर OTG का कनेक्शन मिल जाएगा, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपका OTG एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको सेटिंग में जाके OTG लिखना है। देखिए OTG कनेक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पर से ऑन है ये वाला मेरा, अभी तो शो हो रहा है। उसके बाद ये सेटिंग करने के बाद आपका अभी भी, मतलब ये ओपन कैमरा में, इतना करने के बाद ओपन कैमरा में आपका माइक काम करेगा लेकिन फ़ोन का जो कैमरा है उसमें काम नहीं करेगा। उसके लिए काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, साउंड में जाना होगा, यहाँ पर मोर में जाना होगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में एक्सटर्नल डिवाइस व्हेन अवेलेबल दिखाया जा रहा है, इसमें क्लिक करना है। ये इसमें रहेगा, इसमें जब भी रहेगा तो आवाज़ नहीं है, मतलब इससे डायरेक्ट कैमरा से नहीं शूट होगा, तो आपको इसमें जाना होगा। इसमें जैसे जाएंगे तो डायरेक्ट कैमरा से शूट होगा, ठीक है। इन एयर मॉनिटरिंग को ऑन कर दीजिएगा, आपका जो है डायरेक्ट ही वह डायरेक्टली काम करेगा आपका फ़ोन, मतलब इस माइक के साथ, ठीक है। आपको दिखा देते हैं कि एक एग्जांपल। और दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि हमने थोड़ा सा आवाज़ भी कंपेयर करेंगे इसका, मतलब ये जो है वायरलेस माइक जो आया है ग्रेनारो की तरफ से, बोया का M1 जो है उससे बेटर है, अच्छा है, ख़राब है, किस तरह का है या इक्वल है, वो चीज़ पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो दोस्तों अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया का M1 से सुन रहे हैं, तो आवाज़ कैसा है, किस तरह का है, वो चीज़ आपको पता चलेगा, अभी आप लोग देख लीजिए। और अभी हम स्विच करते हैं अपने गिरारों में कि किस तरह का उसमें आवाज़ वगैरह आता है, कैसा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो दोस्तों अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये गिनारों की तरफ से आया गया जो है, कौन सा आया है, हाँ S11, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, S11 मॉडल नंबर का जो आया है उससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का। अभी हम चुप होते हैं, थोड़ा सा नॉइस सुनिए कैसा है, उसके बाद हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे जाएंगे, क्योंकि इसमें ANC आता है जो आपका आवाज़ को, मतलब आवाज़ को देगा, जो नॉइस है उसको रिमूव कर देगा। तो अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पंखा चल रहा, कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आवाज आप सुनिए, हम थोड़ा सा चुप होते हैं और आप लोग को पता चलेगा सही में कि कैसा आवाज है। तो आपने नॉइस सुन लिया, अभी हम एक लेवल को ऊपर में जाते हैं। तो ये स्टेज 2 है जिसमें आपको, स्टेज 1 है जिसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन पता चलता होगा। अब ये जो सुन रहे हैं आप, ये स्टेज 2 है, तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन कैसा है आप लोगों को पता चलता होगा।
ये स्टेप थ्री है, इसमें नॉइस कैसा मिल रहा है हम चुप होते हैं और आपको सुनाते हैं। तो होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि थर्ड लेवल में किस तरह का नॉइस मिलता है, नहीं मिलता है, सब कुछ पता चलता होगा और आवाज भी आप लोगों को पता चलता होगा। तो हम लेवल वन में फिर से जाते हैं और लेवल वन में आने के बाद हम फिर से पता चल रहा है कि किस तरह का आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा, सब कुछ आपको पता चलता होगा। थोड़ा सा हम फिर से चुप होते हैं और आप लोग आवाज सुनिए। अभी हम क्या करते हैं कि फैन को ऑन करते हैं और उसके बाद सुनते हैं कि कैसा है, किस तरह का है। तो ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया और ये जीरो हो गया। तो हमने फैन को ऑन कर दिया है, लेवल जीरो पे अभी है, अभी हम नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किए हैं। आपको हवा का आवाज अभी आना शुरू हो गया होगा, आप लोग देख लीजिए। हम चुप होते हैं, हवा का आवाज सुनिए। तो अभी फैन चल रहा है रूम पे, आवाज आ रहा है, अभी हम लेवल वन पे जाते हैं। ये लेवल वन का आवाज है, नॉइस कैसा है आप लोग बताइए कमेंट में। दूसरे लेवल का नॉइस कैसा है कमेंट में बताइए। तीसरे लेवल का नॉइस कैसा है कमेंट में जरूर बताइए। तो तीसरा लेवल पे अभी चल रहा है और पंखा चल रहा है पूरा फुल स्पीड में और अभी हम वीडियो शूट भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का आवाज़ कैसा आता होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी हम फ़ैन को ऑफ करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो है किस तरह का है और कैसा परफॉर्मेंस देता है, तो हमने आपको डिटेल में बताया। कुछ सवाल रह गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।